दोस्तों ये है सेल्सियस स्केल और अभी का तापमान हो रहा है 35 डिग्री सेल्सियस। तो नदी में स्विमिंग करते समय आंखों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आंखों में कचरा भी जा सकता है। तो दोस्तों ये है स्विमिंग गॉगल चश्मा, तो दोस्तों इसको मैं पहन लेता हूँ और आज ये पहन के मैं स्विमिंग करने वाला हूँ। कैमरे की दूरी 50 फीट है तो मैं कितनी देर तक अंदर ही अंदर तैरता हूँ। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। मैं 40 फीट दूर तक पानी में अंदर ही अंदर तैरा। तो खाना बनाने के लिए लकड़ी ढूंढ लेते हैं। मैं यहाँ पर सुबह 7 बजे आया था और अभी का समय हो रहा 12 बज गए हैं, दोपहर का समय है तो मेरे को भूख लग गई है। तो चलो अब जल्दी से खाना बना लेते हैं। चूल्हा जमा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर उतनी हवा, चूल्हा बुझेगा नहीं, हवा कट जाएंगी इधर पत्थरों से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चूल्हा जमा लेते हैं। Thank you.
तो सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है और ये रहा गेहूं के आटे से बनी हुई लोहिया, इसकी हम गाकड़ बनाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रोटी बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोटी बनाने में बहुत समय लग जाएगा। कुछ देर में ये बनकर तैयार हो जाएंगी। ला जाओ आप। मजा आ गया दोस्तों। जबरदस्त। अभी सूर्यास्त हो चुका है और हमने सबसे पहले स्विमिंग की, फिर खाना बनाया, फिर धूप में 6 से 7 घंटे हम घूमे, लकड़ी काटना, तो इस वजह से मैं थक गया हूँ। तो सबसे पहले हम टेंट पिच कर लेते हैं और थोड़ा सा 1 घंटे का आराम करते हैं, रेस्ट लेते हैं। दोस्तों दिन भर से मैं थक गया हूँ, तो चलो कुछ देर के लिए आराम करता हूँ।
दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अब हम जल्दी से जल्द पैकिंग करते हैं। अंधेरा हो चुका है और आप भी अगर कहीं घूमने जाए तो नदी में अगर आप तैरते आता है तो ही तैरे, तो वैसे ना तैरे, क्योंकि मैं जिस जगह आया हूँ यहाँ पर हर महीने कोई ना कोई व्यक्ति मर जाता है पानी में डूबने से, उसकी मौत हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादा रिस्क ना ले और गहरे पानी में ना जाए, आप नदी के किनारे या पहले देख ले जहाँ कम पानी रहे कमर जितना, वहाँ पर ही नदी में नहाए, या फिर ना नहाए तो और भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर साल में 10 से 15 लोग डूबने से मौत हो जाती है। 2 एयरफोर्स के जवान 2 महीने पहले यहीं पर डूब के मर गए थे, आमला एयरफोर्स स्टेशन पे। और आप रास्ता देख सकते हैं कितना पथरीला ख़तरनाक रास्ता है, यहाँ पर चलना आसान नहीं है। जगह जगह आपको पहाड़ होते हुए चट्टान को के ऊपर चढ़कर और पानी में से चलकर आपको जाना होगा यहाँ पर। कई बार यहाँ पर रात में तेंदुआ भी दिखा, कई लोगों को तेंदुआ भी दिखा है, तो यहाँ पर जान का भी बहुत बड़ा खतरा है। दिन में तेंदुआ आता नहीं है, लेकिन रात के समय तेंदुआ और यहाँ पर हिरन और खरगोश, मोर और भी जितने भी जंगली जीव है उनकी यहाँ पर रात के समय एंट्री हो जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।